दिया था, एक मतलब धोखा करने की कोशिश की गई हमारी कि 2 साल हुई थी लगाने के बाद, 2 साल के बाद हमने कहा गया कि नहीं अब आपके लिए यहाँ पे स्टे कॉलोनी में। हम तो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्राइक रही है यहाँ उसके बाद ये 2012 का मसला है, 2012 में उसके बाद जब 2 सालों तक हमें गवर्नमेंट ने लड़ता है, 2014 में लास्ट कैबिनेट जो है हमारे नाम पे होती है कि इनको अब हम एब्जॉर्व करेंगे, हम स्कूल अपग्रेड कर, फिर जो नई गवर्नमेंट बनी, ये जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने बोला कि नहीं ये जो ऑर्डर तब कैबिनेट हुआ तरह जो है हम डिपार्टमेंट से बाहर नहीं जाना चाहते जैसे भी आपको लगे, तो उन्होंने तब बोला कि नहीं अब हम आपके लिए जो है अब आप NYCA से, चूँकि अब यहाँ पे ऑन प्रायोरिटी ये उनको गसन एस एस कैश किया ताकि मुस्तबिल कहूँ गैसे कि ये बच वन सुबह तुम तो वन अथ यूर से जो मैडम आमद यूर से जो अनवर सब आमद एजाज सब आमद आरिफ सब आमद तुम हो सब बहुत सुन का मैडम जिस यूर कस्ट करा ये तुम तो ये तुम फोर होम मिनिस्टर से दिस आठ मिनट उसे सुई कहता ना वो नहीं बोलो ये आकर के बचाओ साल दस मुझे उसी आत्म मिनिस्टर से बढ़ गया पंचान शतक पर अगर इन दो माल वाले का सुना मैडम हमारे मुझे 9,000 मगर पंचान शतक पर ईस नून हुई ये चंद बात समझ पे इस खतरे से नहीं ठीक है मुझे बाइस तो और काम कर लेता आप पढ़े लिखे लोग लेकिन परेशानी ये हुई है सबको को उन्होंने वोट बैंक की तरह यूज किया। आप सबका शुक्रिया। NYCA के जो मुश्किलात हैं हम वो लेके जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन आई थी उनके सामने अपनी डिमांड्स लेके आए थे और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से उनका रेस्पॉन्स रहा है, यहाँ की जो पूरी टीम है उनकी उनका जो ताउन रहा है खासकर नसीर साहब का, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वक्फ बोर्ड की चेयरमैन साहिबा जो है वो हमारी डिमांड जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचाएगी और जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है और गवर्नमेंट भी मानती है कि हमारी डिमांड्स जेन्युइन है। 2010 से लेके आज तक जितने भी मतलब हमने प्रपोजल्स गवर्नमेंट के सामने रखे हैं चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, और हमेशा दोनों आयवानों में सुना गया है और दोनों ने माना कि जेन्युइनली आपके इशूज़ हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा मसला अभी तक हल नहीं हो पा रहा है। जो हमारी लिजिटमेट डिमांड्स है हमारी अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और जो प्रेजेंट ये गवर्नमेंट है उनसे भी हमारी अपील रहेगी कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए।